आज हमारे पास एसएफसोनिक सूर्या 12 वोल्ट 825 बी इन्वर्टर रिपेयरिंग होने के लिए आया है। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर लिए हैं और इसको ऑन करके देख रहे हैं क्या दिक्कत कर रही है। ये इन्वर्टर बैकअप ऑन हो गया है, यहाँ पे स्विच ऑन है। अब इस यहाँ पे हम आउटपुट सॉकेट में वोल्टेज मीटर लगा के देख रहे हैं, वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं दे रहा और यहाँ पे ऑन बता रहा है। अब देख रहे हैं ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, फिर भी हमारा वोल्टेज यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब सर्किट हम निकाल के देखेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। ये ड्रेन वायर खोल लिए हैं, यहाँ का सारा कनेक्टर निकाल रहे हैं और ये पेच खोल रहे हैं और ये सर्किट निकाल के चेक कर रहे हैं क्या इसमें। ये मास्पिट इसके उड़े हुए हैं, मास्पिट इसके भस्ट हो गए हैं, जल गए हैं। अब हम मास्पिट खोल रहे हैं, ये मास्पिट हम निकाल लिए हैं और यहाँ पे चार मास्पिट लगे हुए हैं, दो इधर दो उधर। और ये मास्पिट जो लगा हुआ है इसमें ये 110 N8 F6 लगा हुआ है। यहाँ हम डिसोल्डिंग पंप से साफ कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम 110 नंबर का ये मॉस्फेट लगा रहे हैं। मॉस्फेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, मॉस्फेट लगा दिए हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल से हम लोग वाश कर ले रहे हैं। मॉस्फेट हम दो इधर लगा दिए हैं। अब इसमें बैटरी से लगा के देखते हैं कि क्या दिक्कत है। 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे करके चेक कर रहे हैं। ये हमारा 12 वोल्ट के करीब आ रहा है। अब हम डिस्प्ले जो है इसका है स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। ये इन्वर्टर ऑन हो गया, ये स्विच LED है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा पल्स मॉस्फेट भी आया कि नहीं। 4.98 अब इधर का हम चेक कर रहे हैं। फोर पॉइंट इधर दोनों हमारा बराबर आ गया। और जैसे अगर कोई इसमें ट्रांजिस्टर दिक्कत होता तो पल्स हमारा माइक्रो आईसी से निकल के जाती है, वो नहीं जाता। फिलहाल इसमें हमारा कोई ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, इसलिए हमारा पल्स दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो जैसे अगर हमारा पल्स ना आए तो हम क्या क्या चेक करें इसमें। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे एक D2 डायोड लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे। और इस तरफ ये हमारा ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है इसको हम चेक करेंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत रहेगा ट्रांजिस्टर में, लीकेज रहेगा या ख़राब रहेगा तो पल्स नहीं आएगा। नेगेटिव वाला प्रॉप यहाँ पे लगा दे रहे हैं नेगेटिव पे। उसके बाद में इस माइक्रो आईसी के कौन से पिन से पल्स हमारा इन दोनों पे आता है मॉस्फेट के ड्राइव के लिए, तो उसको हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं। फिर कभी टाइम मिला तो ये इस माइक्रो
कि जितनी भी पिने हैं इसकी सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे और डायग्राम के साथ में। फिलहाल इतना बता रहे हैं कि इसकी इन दोनों चैनल पे कितने कितने बोर्ड, यहाँ माइक्रो आईसी से 32 पिन का माइक्रो है, तो इस माइक्रो आईसी के 3 नंबर इधर से जो डॉट बना हुआ है, इधर से 3 नंबर पिन है। ये हमारा यहाँ से स्विच हम ऑन करेंगे तो ये 4.78 के आसपास आ रहा है, यानी 4.78 के करीब आ रहा है, और फिर ऑफ कर रहे हैं तो ये चला गया, फिर ऑन कर रहे हैं तो आ गया, उसके बाद में ऑफ कर रहे हैं तो चला गया, उसके बाद में इधर से आप 8 हो गया, इधर यहाँ पे 9 हो गया, और इसके दूसरा पल्स इसके पिन नंबर 9 पे आता है। ये ऑफ अभी नहीं आ रहा है, अब ये ऑन कर दिए, ये भी 4.8, ये ऑन ऑफ कर दिए, नहीं आ रहा है। ये दोनों पल्स इस मॉस्फेट इधर उधर ड्राइव के लिए आता है, अगर ये नहीं आएगा, कोई भी एक पल्स नहीं आया तो मॉस्फेट लगाने के बाद भी नहीं चलेगा। जैसे ही हम लगाएंगे, इसमें फिट करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा मॉस्फेट फिर उड़ जाएगा। ये दोनों आना चाहिए, और जिस दिन समय रहा, मिला टाइम, तो सारी इस पिन की सारी आईसी जो है इसकी सारी डिटेल्स हम कॉपी से आपको डायग्राम बना के और पूरा पिन डिटेल समझाएंगे। इसको अब हम फिट कर ले रहे हैं, उसके बाद में इसको देख चालू करके देखते हैं। सर्किट हम फिट कर दिए हैं, अब इसको 12 वोल्ट डीसी से लगा के देखते हैं। अब हम 12 वोल्ट डीसी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हम लगा ले रहे हैं और ये ऑन कर दिए, हमारा वोल्टेज आ गया। तो हम बल्ब को भी लगा के चेक कर ले रहे हैं, लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये हमारा बल्ब ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब हम चार्जिंग भी चेक कर ले रहे हैं, इन्वर्टर हमारा ऑन है, वोल्टेज हमारा दे रहा है। अब हम मेंस के लिए चार्जिंग लाइट पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा मेंस आ गया है और ये चार्जिंग ब्लिंकिंग LED कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारा एम्पीयर, एम्पीयर हमारा ये धीरे धीरे उठ रहा है, ये 30 एम्पीयर के आसपास ये चार्जिंग करता है।